दोस्तों, अगर संतुलन आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने आपको संतुलन फेमिसेन ऑयल प्रिस्क्राइब किया हो तो आइए जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। फेमिसेन तेल ये आयुर्वेद का एक बहुत ही अनोखा नुस्खा है। उसको जो शरीर में यूज करने का तरीका है वो बहुत अलग है। इसे हम योनि पीचू कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसे यूज कैसे करें। यह योनि पीचू हमें रात को यूज करना है। एकदम साफ रुई का टुकड़ा लीजिए, इस तरह का हमें बाजार में मिलता है, तो साधारण इस साइज का हमें कपास का टुकड़ा लेना है। इसे हमें तेल में भिगोना है। तो देखिए, इस प्रकार मैंने तेल में भिगोया है। घर पे आप इसको खुला मत छोड़िए, इसको बॉटल से ही डायरेक्टली यूज कीजिए। और देखिए, थोड़ा एरिया मैंने बिना भिगोए रखा है और बाकी का तेल में भिगो दिया है। इस प्रकार से हमें रुई का टुकड़ा जो है वो तैयार करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो रुई के टुकड़े की बजाय इस तरह की बाती का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये योनि से बाहर रहेगा और ये जो एरिया है ये योनि के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रुई का टुकड़ा है ये हमने तेल में भिगोकर तैयार किया। आइए जान लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती है। जहाँ पर ग्रीन सर्कल है वह योनि का शुरुआती भाग है। यहाँ हम फेमिसेन तेल में भिगोया हुआ साफ रुई का टुकड़ा रखने वाले हैं। इसके ऊपर हमें चित्र में योनि का ऊपरी हिस्सा, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब भी दिखाई दे रहे हैं। यह टुकड़ा कहीं भी अपने आप ऊपर या अंदर नहीं जा सकता, इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें। ये जो भीगा हुआ कपास है ये रात को योनि मार्ग में रखना है, अर्थात वजाइना में, नियरली इतना अंदर। रात को सो जाना है रखने के बाद, और सुबह उठकर टॉयलेट को जाने के पहले निकालकर फेंक देना है। लोकेशन तो हमने समझ ही ली है। इसे किस उम्र में यूज कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे ही महावारी शुरू होती है 13 या 14 साल की उम्र से, तब से लड़कियां ये यूज करना शुरू कर सकती हैं। उसके बाद जीवन भर इसे यूज करते रहना है, क्योंकि इससे हमारी तबीयत ठीक रहने में बहुत मदद मिलती है। अगर जो पेशेंट है उसकी एज शायद 13 साल से कम हो, या छोटे बच्चों में कभी कभार शिकायत के कारण ये तेल अगर यूज करने के लिए हमें डॉक्टर ने दिया हो, तो फिर रुई के साथ यूज करने की बजाय इसे हम केवल लोकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, तेल और कपास ले जाना डिफिकल्ट हो, तो इस प्रकार की जो डिब्बी है इसमें अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के टुकड़े आप सीधे तेल में भिगोकर साथ में तैयार करके लेके जा सकते हैं। केवल सावधानी रखनी है कि सफाई की। ये तेल हमें रोज रात को यूज करना है, बिल्कुल चूकना नहीं है। केवल कब नहीं रखना है? तो जब मेंस्ट्रुएशन चालू हो, जब महावारी चालू हो, तब 3 से 4 दिन जब तक आपको ब्लीडिंग हो रहा है तब ये तेल यूज नहीं करना है। वैसे ही जब फिजिकल रिलेशनशिप हो, इंटरकोर्स होता है, तो उसके बाद ये तेल यूज करना है, उसके पहले यूज करना नहीं है। तो प्लीज चूकिए मत, रोजाना इस तेल को यूज कीजिए और इसके आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो से जुड़ा अगर कोई सवाल आपके मन में है, या कोई नया सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम जल्द से जल्द आपके उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।